दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि राजेंद्र नगर के अंदर आखिरकार हुआ क्या और कैसे तीन स्टूडेंट जो कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ रहे थे और थोड़ी सी बारिश होने की वजह से वहां पर डूब कर उनकी जान चली गई। तो पहले आप ये वीडियो देखें। Guys, 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 quick! अरे जल्दी आ जाओ ऊपर, कोई नीचे रहा तो नहीं? नीरज कोई नीचे तो नहीं रहा? दोस्तों पानी इतना ज़्यादा गंदा था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और गंदे पानी के अंदर डूबने से तीन स्टूडेंट जान से चले गए। उन्हें कुछ नज़र नहीं आया कि सीढ़ी किस तरफ है। वो अचानक पानी भरा, जो शुरू में जो स्टूडेंट थे वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए, लेकिन तीन स्टूडेंट अंदर फंस गए। वो मेज़ों के ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन रेस्क्यू वाले जब तक आए जब तक पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था और रेस्क्यू वालों को भी कुछ नज़र नहीं आया कि किस तरीके से बचाया जा सके। तो उन्होंने ज़मीन तोड़कर, यानी जो कोचिंग सेंटर था उसके बाहर से ज़मीन को खोदकर उन तीन स्टूडेंट की लाशें निकाली गई। जी दोस्तों, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक्य पेश आया है।